हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका भी बजट 16,000 है एंड इस प्राइस सेगमेंट में आप अपने लिए एक बेस्ट एंड अच्छा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ट्रू 5G स्मार्टफोन अंडर 16,000। 15 से 16,000 के अंदर बहुत सारे 5G स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट सभी स्मार्टफोन अच्छे नहीं होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप अपने कीमती पैसे किसी बेकार स्मार्टफोन पर खर्च करो। जो 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, मैंने उन्हीं को चुना है। ये 5 स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन 5 स्मार्टफोन को चुना है। अब मैं बताता हूँ कि हमारे वीडियोस के अंदर आपको हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डोमेस्टी 920G का 5G चिपसेट, स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, 14 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अच्छा कैमरा जिससे कि आप 4K रिकॉर्डिंग कर सको, 5000mAh का बड़ा बैटरी उसको तेजी से चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का सपोर्ट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। अगर आपको 16,000 के अंदर एक बेस्ट नॉन चाइनीज ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मास्टर स्पीकर है, फोन को अनलॉक करने के लिए साइड अनलॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए छोटा सा 25W का इनबॉक्स चार्जर भी है, बट गाइस आपको एडाप्टर और बाहर से लेना पड़ेगा, जिसके लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 750G का 5G चिपसेट, और जो उसका अंत उसके 297,000 के करीब में है। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है, डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा, बट इससे आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे, हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हो। और जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो गेमिंग के लिए नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है, डिस्प्ले भी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 8MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10D वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का जो प्राइस है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये, एंड 6128 का जो प्राइस है वो 15,999 रुपये, यानी कि 16,000 रुपये है। 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला जो वेरियंट आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 15,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो IQ की तरफ से IQ Z6 5G। फिलहाल ये स्मार्टफोन आपको 15,000 में मिल जाएगा, एंड अगर आपको एक बेस्ट 5G गेमिंग एंड कैमरे वाले एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मास्टर स्पीकर है, फोन को लगने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 18W का छोटा सा इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, एटलीस्ट 30 से 33W का तो चार्जर देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 10D 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इसका अच्छा मिलता है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतुतु स्कोर 4 लाख के करीब में है। परफॉर्मेंस इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे खेल पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 2 5G बैंड को सपोर्ट करता है, एटलीस्ट 5 से 7 5G बैंड का तो सपोर्ट होना चाहिए था।
6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसमें आपको अच्छा मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का जो प्राइस है वो 16,000 रुपये एंड 6128 का जो प्राइस है वो 17,000 रुपये। 1000 से 1500 का कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 4128 वाला जो वेरियंट आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। और 15,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग एंड कैमरे वाले एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G62 5G। अगर आपको 15 से 16,000 के अंदर एक बेस्ट UI वाले एक अच्छा एंड प्रूफ 5G स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है एंड जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका जो प्राइस था 19,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको 15,000 में देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलता है एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड इसको चार्ज करने के लिए 20W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा और AMOLED डिस्प्ले होता तो और भी अच्छा होता। बट गाइस स्मूथनेस गेमिंग के वक्त आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें लगा सैमसंग का J1 वाला सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा बट लो लाइट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्क्रो 4,04,000 के करीब में है। इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो उसके 6128 का जो प्राइस है वो 14,999 रुपये यानी कि 15,000 रुपये। 1000 से 1500 का इसमें भी आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट UI वाला ट्रू 5G गेमिंग एंड डिस्प्ले वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 05G 2023। ये स्मार्टफोन आपको 16 से 17,000 के करीब में देखने को मिल जाएगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट गेमिंग सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, मतलब कि इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा ही एंड बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मास्ट स्पीकर है, फोन कॉल करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलता है एंड 2 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। 5000mAh का बड़ा बैटरी देंस को चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.78 इंच का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि IPS का ही पार्ट है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 500 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा रहेगा, कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी मजा देगा एंड सुपर AMOLED डिस्प्ले होता तो और भी अच्छा होता। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, नहीं ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं ज़्यादा लो लेवल का है। इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 4,50,000 के करीब में है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी टॉप नोच का मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। तो अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए 15 से 16,000 के अंदर देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 14 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है जिससे कि आपको जो 5G को लेकर फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8128 का जो प्राइस है 16,999 रुपये यानी कि 17,000 रुपये। 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट है आपको 16,000 के अंदर देखने को मिलेगा एंड 16,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग सेंटर एक 14 5G बैंड का सपोर्ट मतलब कि ट्रू 5G स्मार्टफोन 8GB का बड़ा रैम 128GB का बड़ा स्टोरेज वाला एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार करें, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको X5 5G। अगर आपको 16 से 17,000 के अंदर एक ट्रू एंड 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो एंड बाकी फीचर्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, सिंगल मॉनिटर स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो डॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलते हैं एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलते हैं। 5000mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 13MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p+ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है बट लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत स्कोर 4 लाख के करीब में है। ओवरऑल नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस 16,999 रुपये यानी कि 17,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन आपको 16,000 के अंदर देखने को मिलेगा। और 16,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर कंप्लीट पैकेज वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। और गाइस, जितने भी पोको यूजर्स है वो लोग ये कमेंट करते हैं कि जो पोको का स्मार्टफोन होता है उसका मदरबोर्ड डेड हो जाता है या फिर अपडेट के बाद उसका कैमरा डेड हो जाता है, तो आप सोच समझ के पोको का स्मार्टफोन लेना। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, बाद में मुझे आके मत बोलना कि भाई आपने सजेशन दिया था कि पोको का ये स्मार्टफोन ले ले तो अच्छा रहेगा। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ट्रू 5G स्मार्टफोन अंडर 16,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और चैनल पे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।